छतरपुर में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे मुस्कान अभियान के तहत एक ऐसा गंभीर मामला सामने आया जिसमें नाबालिग लड़की को खरीद फरोख्त कर एक बार नहीं बल्कि चार बार दलालों ने बेचा। मामला छतरपुर के ओरछा रोड थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग लड़की पिछले साल अचानक गायब हो गई, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में की थी। इसी गुमशुदगी नाबालिग लड़की की जानकारी पुलिस को ग्वालियर होने की पता चली तो पुलिस की एक टीम ग्वालियर गई और गुमशुदा नाबालिग लड़की को बरामद कर थाने ले आई। जब महिला पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज किए तो एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। इस नाबालिग लड़की को चार बार रुपए का सौदा करके बेचा गया था और हर खरीदार ने उसके साथ गलत काम किया। सबसे पहले इसे दिल्ली में बेचा गया था। पुलिस ने नाबालिग लड़की के बयान पर खरीद फरोख्त करने वाले चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सचिन शर्मा का कहना है कि महिलाओं के खरीद फरोख्त के दो साल के दौरान तीन मामले सामने आ चुके हैं। छतरपुर जिले के थाना ओरछा रोड अंतर्गत 2 फरवरी 2023 को एक दस्तियाबी की गई थी। दस्तियाबी में जब तथ्य सामने आए, विस्तृत बयान लिए गए, तो विस्तृत बयान के आधार पे एक अंतर्राज्यीय गिरोह के चार सदस्यों को पकड़ा गया है, जिन्होंने बच्ची को अलग अलग समय पे अलग अलग दाम पे बेचते हुए यहाँ से दिल्ली, दिल्ली के बाद झांसी, अलग अलग स्थानों पे रखा। इसमें जो विभिन्न आईपीसी की धाराएँ हैं और जो पॉस्को एक्ट की धाराएँ हैं उनके तहत कायमी की गई है और जितने भी आरोपी थे उन सबको अभिरक्षा में ले लिया गया है। हम लोग इसको चिन्हित प्रकरण रखते हुए यथाशीघ्र सजायाबी का प्रयास करेंगे। सर, पहले भी छतरपुर जिले में इस तरह के मामले आ चुके, खरीद बिक्री के महिलाओं को गए, तो इस तरह अंकुश क्यों नहीं, ग्रोथ सक्रिय कैसे? छतरपुर जिले में लगभग 3 ऐसे प्रकरण पिछले 2 सालों में सामने आए हैं और हमारा प्रयास यही रहता है कि कई बार जन जागरूकता के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुँचाएँ कि कई बार रोजगार के नाम पर या फिर कोई अन्य बड़े अपॉर्चुनिटी को लेके लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे उतना अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, बड़े शहर चलिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे। तो माइग्रेशन और बाकी सारी चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से बच्चे जाते हैं, पर प्रयास यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें और जो रजिस्टर्ड पोर्टल्स हैं उन्हीं के तहत जाएँ और ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो या लेबर सप्लाई करते हैं उनके संपर्क में ना आएँ। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।